कैसा लगा मेरा प्लान? वाओ मायरा, मुझे तो लगा था कि तुम सच में आके यहाँ पे प्रीता का साथ दोगी और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, लेकिन तुम तो बहुत ही बड़ी शोलन। नफरत करती हूँ मैं प्रीता से, बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। कितनी मुश्किल से मैंने उसको अपनी और करण की जिंदगी से दूर किया है। मुझे जो भी करना पड़ जाएगा ना, उसे दूर रखने के लिए मैं हर वो चीज करूंगी। पूछा था मैंने उससे, साफ साफ पूछा था क्या फील करती है करण के लिए, उसने मुझे मना कर दिया था। क्यों आई मेरी एंगेजमेंट, क्यों मुझे किडनैप किया? जब मेरी शादी करण से होने वाली है तो वो करण की जिंदगी में वापस आना चाहती है। करण जितनी कोशिशें करनी है ना वो कर ले, क्योंकि ये सब गलत फहमी है उसकी कि वो कुछ भी कर सकती है। मैं कुछ होने थोड़ी दूंगी, कुछ भी नहीं। वैसे भी देखो ना शाल, करण प्रीता को कोर्ट में अकेला छोड़ के मुझे बचाने आ रहा है। बस आता ही होगा थोड़ी देर में आप, इसीलिए तो फोन किया था मैंने तुम्हें कि कोर्ट में क्या हो रहा है ना मुझे अपडेट देती रहना, क्योंकि करण आ जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। और एक बार कोर्ट ने प्रीता के खिलाफ जजमेंट सुना दिया ना, उसके बाद मुझे करण वापस कोर्ट ले भी जाएगा तो क्या फायदा होगा। राइट मायरा, यू डोंट वरी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तुम बस थोड़ी देर के लिए और कोर्ट से दूर रहो। सब कुछ प्रीता के खिलाफ जा रहा है। अगर करण तुम्हारे पास नहीं पहुंचा और तुम्हें टाइम पे कोर्ट लेकर नहीं पहुंचा ना, तो प्रीता को सजा हो जाएगी। वो हमेशा हमेशा के लिए जेल चली जाएगी। यू जस्ट मेक श्योर कि तुम कोर्ट नहीं पहुंचो टाइम पर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बाय। मिस्टर अशोक, आप कह रहे हैं कि प्रीता अरोड़ा बेकसूर है और मायरा खन्ना ने उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट लिखवाई है और वो यहाँ आके उसकी कंप्लेंट वापस लेना चाहती है, तो कहाँ है मायरा खन्ना? मिलॉर्ड, मायरा खन्ना कोर्ट आने ही वाली थी। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कोई ऐसी वजह जो अभी हमें नहीं पता, इसीलिए वो यहाँ नहीं पहुँच पाई है। माय लॉर्ड, ये सब बहाने हैं जिससे मेरी क्लाइंट को इंसाफ ना मिल सके। प्रीता अरोड़ा ने मेरी क्लाइंट की जान लेने की कोशिश की, वो अपनी कंप्लेंट क्यों वापस लेगी? अगर आपकी क्लाइंट कोर्ट पहुँची नहीं है, आप उनके तरफ से कैसे जजमेंट शुरू कर सकते हैं? आपको क्या पता वो कोर्ट में आकर क्या कहना चाहती है और क्या नहीं? एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अगर किसी वजह से मेरी क्लाइंट कोर्ट में नहीं आ सकी है तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं कि आप उसकी तरफ से जजमेंट पास करना शुरू कर दें कि वो यहाँ आएगी और अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। मैं जजमेंट नहीं, उन्हें डिफेंड कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों चुप हो जाइए। ये कोर्ट है, क्या गलत है क्या सही है इसका फैसला अदालत करेगी। चलिए, मेरा कहाँ गए थे? मैं वॉशरूम गई थी। माय लॉर्ड, हमारे पास एक आई विटनेस है जिसने ये एक्सीडेंट अपनी आंखों से होते हुए देखा है और उसके पास इस बात का सबूत भी है और हमने वो सबूत कोर्ट में पहले सबमिट कर दिया है। माय लॉर्ड, सारे सबूत प्रीता अरोड़ा के खिलाफ जा रहे हैं, फिर आपको फैसला देने में किस बात का इंतजार है? करण कहाँ चला गया? उसने वादा किया था मुझसे कि वो मेरी बेटी को बेकसूर साबित करवाएगा, उसे सजा नहीं होने देगा, तो फिर कहाँ चला गया? अब तक वापस क्यों नहीं आया? लोकेशन तो ये दिखा रहा है। मायरा ने कहा था कि कुछ लोग हैं जो उसे कोर्ट नहीं पहुंचने देना चाहते, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो नहीं चाहता कि प्रीता जेल से बाहर आए? एनीवेज, मायरा है कहाँ? तुम लोग यहाँ पर हंस रहे हो? इस बात के पैसे दिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बैठ के बात करने के? अगर करण आ गया, उसने ये सब कुछ देखा, फिर पूरा का पूरा प्लान मेरा खराब हो जाएगा तुम लोगों की वजह से। जब करण यहाँ आएगा ना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, हर चीज मुझे ही समझानी पड़ रही है। बाहर जाओ, जाके देखो करण आ रहा है क्या। मैडम, आप फोन करके पूछ लो ना कहाँ पहुंचे। मैं फोन करके उसको पूछू,
फिर उसे लगेगा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, जितना बोल रही हो उतना करो। जाओ जाके देखो। चल बे। एक सेकेंड, ये कर। चलो यहाँ से जल्दी अंदर चलो, मुझे बांधो। चलो जल्दी चलो, तुम लोग कैसे धीमे धीमे चलोगे तो कैसे होगा, मुझे बांधो यहाँ। अरे लेकिन आपको बांधना क्यों है लेकिन मैम? और जल्दी पकड़ो पकड़ो मुझे यहाँ, तो करो ना रहे, जल्दी करो पर... जल्दी बांधो मुझे। आवाज़ क्यों बांध रहे हो मुझे? क्यों बांध रहे हो मुझे? हमने तुझे किडनैप किया है ताकि तू प्रीता को बचाने कोर्ट ना जा पाए, समझी? और हम नहीं चाहते कि प्रीता कोर्ट से बाहर आए। ठीक तो हो ना? सृष्टि, करण को फोन कर। लेके चलो इसे और बांधो इसके हाथ पैर। करण क्यों? करण क्या हो? करण करण क्यों किया तुमने ये? उसके सर पे क्यों अटैक किया? ये सॉरी मैडम। सॉरी माया। करण तुम मेरी हुई। एक मिनट सुन। कांस्टेबल एक मिनट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत हुआ है। तू करण को फोन मिला। ओ कम ऑन मिस प्रीता, अब आप ये एक्टिंग करके ये साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि कुछ कहीं प्रॉब्लम हुई। नहीं एक्टिंग भी। प्रीता क्या हुआ है? माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत हुआ है। मैं तुझे फोन कर, तुझे फोन टेंशन मतलब मैं करण सर को फोन करके आती हूँ। जा सकती देखो से। नहीं एक मिनट इंस्पेक्टर सर प्लीज। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हैं। देखिए माय लॉर्ड, ये कोर्ट का ध्यान भटका कर भागने की कोशिश कर रही है। प्रीता भागने वालों में से नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उस पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। प्रीता कभी गलती नहीं कर सकती, उसने कुछ गलत नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर जज साहब, वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, हम कैसे चुप रह सकते हैं? इंस्पेक्टर सर आप मेरी बात सुनिए, 5 मिनट के लिए मुझे बाहर जाने दीजिए। आप समझ नहीं सकते मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ। हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, घर में आओ। अरे आप लोग कैसे बात कर रहे हैं यार? आप लेडी से ऐसे बात करते हैं कि वो कहीं भाग थोड़ी नहीं है, आपके कांस्टेबल्स वहीं पे खड़े हैं, कैसे भाग जाएंगी वो? अभी आपने देखा किस तरह भागने की कोशिश कर रही थी, अगर कांस्टेबल ना पकड़ते तो बाहर भाग जाती है, और इसका सारा ड्रामा इसीलिए ताकि बाहर भाग कर जा सके। अरे नहीं भाग रहे वो। मैं नहीं भाग रही थी, मैं आपसे परमिशन ले रही थी कि मैं 2 मिनट के लिए जा सकती हूँ, प्लीज मेरी बात समझिए। मुझे बस जाकर घर में आ जाइए। अगर अब किसी ने कोई आवाज की तो ये कोर्ट का अपमान होगा और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इल्जाम में आप सबको सजा हो सकती है। आप सब लोग बैठ जाइए, आइए बॉक्स में आइए प्लीज। आंटी आप लोग देख रहे हैं कितना ड्रामा कर रही है, वैसे तो इसका पूरा खानदानी ड्रामेबाज है। सब लोग अब आएंगे वन आफ्टर द अदर और नाटक करेंगे यहाँ पर। मानना पड़ेगा मायरा, तुमने जो बोला वो कर दिखाया, करण का साथ भी दिया और हमारे लिए केस भी जीत रही हो, कमाल कर दिया तुमने।
बस यूं ही ये ड्रामा कंटिन्यू रखो और कुछ ही देर में हम ये केस जीत जाएंगे और वो प्रीता अरोरा तुम्हारी और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर और लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर। फैंटास्टिक मायरा। जल्दी चलो, काफी वक्त हो गया, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, कोर्ट अपना फैसला सुनाता ही हो गया। क्या कर रहे हो, तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? शोलिन पूरा प्लान बनाया था लेकिन एंड मोमेंट पे सब फ्लॉप हो गया। क्या? इसको पता चल गया मैं ये सब मैं अब क्या होगा? अरे मैडम आप टेंशन मत लो। अरे इसे कुछ नहीं पता चला और इसे कुछ पता चलने भी नहीं देंगे। जब ये होश में आएगा ना और अपनी आंखें खोलेगा, हम इसे वो दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते। तेरे इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? गलती कर दी तूने, बहुत बड़ी गलती, और इस गलती की सजा तुझे मिलेगी। ये हाथ जो तूने मुझ पर उठाया है ना, अब वो हाथ ही नहीं रहेगा तेरी बॉडी। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, तुम्हें जो करना है तुम करो। अगर करण को दोबारा हाथ लगाया ना तो दोबारा थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। थप्पड़ मारने के लिए तेरे पास हाथ रहेगा तब ना। मैं तीन तक गिनूंगा और मेरे तीन गिनते ही तेरा हाथ तेरी बॉडी से अलग। एक, दो। और ये तीन। मैं क्या करती, मुझे यहाँ पर करण के साथ आना पड़ा। अच्छा ठीक है सुनो, तुम कोर्ट में आ गई हो लेकिन कुछ भी करके जज के सामने मत जाना। ये हमारे पास लास्ट चांस है प्रीता को जेल भेजने का। कुछ भी करके जज के सामने मत जाना, ठीक है? मायरा चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मायरा चलो, क्या कर रही हो, यू आर गेटिंग लेट। जज अपना फैसला सुनाने वाला, जल्दी चलो, देर हो रही है, चलो। मायरा 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 क्या हुआ? मायरा अरे ओके, अरे ओके, मायरा मायरा गुड जॉब मायरा, तुम भी अच्छी एक्टिंग कर ही लेती हो। जज सर, मेरे दी ने कुछ भी नहीं किया है और ये मैं इतने विश्वास से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं वहां पर खुद थी। मैंने देखा जब वो ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था और दी रस्ते पर चली रही थी और पता नहीं अचानक से शायद उनका पैर ट्विस्ट हुआ होगा और वो ट्रक के सामने आ गई और विद इन अ सेकंड मैंने उन्हें पीछे धक्का देके उनकी जान बचाई है। जब मैंने इनकी जान बचाई है तो ये किसी और को धक्का कैसे दे सकती है? इनफैक्ट इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरी दी बेकसूर है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहन ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है? जी एक्चुअली एक बहन के नाते आपकी बात सही है, लेकिन मिस श्रेष्ठी अरोड़ा आप ये मत भूलिए कि अदालत है और अदालत में ये बहन के किस्से, बहन का प्यार साबित नहीं करता कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है। वकील साहब, जो मैंने देखा है मैं वही आपको बता रही हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि प्रीता अरोड़ा मेरी बहन है, मैं जो सच है वो कह रही हूँ। जज साहब प्लीज। तो मैंने भी सब अपनी आंखों से देखा है।
कि प्रीता अरोरा ने माहिरा की जान लेने की कोशिश की। That's all, my lord. Mr. Ravi, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? इसमें पूछना एक बच्चा क्या है? ये ओपन एंड शट केस है। मेरे पास प्रूफ है, एक वीडियो। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स पे आके कहिए। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। माय लॉर्ड, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ मैं वहां पर थी। कुछ बच्चे रोड पे खेल रहे थे, मैं उनका वीडियो बना रही थी और गलती से एक्सीडेंट का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, जहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रीता अरोरा ने माहिरा की जान लेने की कोशिश की। उसको ट्रक के सामने जानबूझ कर धक्का दिया। आप जा सकती जी। अदालत ने दोनों वकीलों की दलीलें सुनी। मिस मायरा खन्ना के वकील मिस्टर राकेश ने प्रीता अरोड़ा के खिलाफ अदालत को सबूत भी दिखाया और सारे गवाहों की बातें भी सुनी। अब इस केस में सब कुछ साफ है। सारे सबूत और गुनाहों की बातें सुनने के बाद ये साबित हो गया है कि प्रीता अरोड़ा ने मायरा खन्ना को मारने की कोशिश की। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मायरा, आंखें खोलो मायरा। जैसे कि अभी अदालत ने कहा कि सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि प्रीता अरोड़ा गुनहगार है। इसने जानबूझकर ट्रक के सामने उसे धक्का दिया और मायरा खन्ना को मारने की कोशिश की और इस गुनाह के लिए प्रीता अरोड़ा को कोर्ट का आज का टाइम खत्म हो गया है। प्रीता अरोड़ा के इस केस का फैसला अदालत के पास सुरक्षित रहेगा। इसका फैसला कल सुनाया जाएगा और तब तक प्रीता अरोड़ा पुलिस की हिरासत में रहेगी। केस इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। कांस्टेबल, लेकर चलो। हमारी बच्ची को मत ले जाइए, उसने कुछ नहीं किया है। ऋषभ जी, करण कोर्ट के बाहर आ गया माहिरा के साथ। अंदर क्यों नहीं आया वो? मुझे नहीं पता। हमारी बच्चे ने कुछ नहीं किया। हमारी बच्चे ने दादू, छोड़ दीजिए उसको। चंदगिंडी, दादू की सांस चढ़ रही है। वो बाहर वाटर कूलर है, वहां से पानी पिला दे। दादू को जल्दी चलिए। बीजी, हवा भी लगेगी तो बीजी ठीक लगेगा आपको बाहर। मायरा, मायरा आंखें खोलो। मायरा, ले चलो। मायरा, लेकर क्या? लेकर मैं बोलता हूँ। अरे प्रीता, प्रीता, एक सेकंड। मायरा, मायरा बाबू क्या हुआ? मायरा प्लीज गेट अप बाबू, प्लीज आंखें खोलो। वो आंखें नहीं खोल रही है। मायरा, मायरा पानी। मायरा बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मायरा आंखें खोलो बेटा, क्या हो गया इसे? लगता है ये बेहोश हो गई है।
यूके, क्या हुआ, क्या हो गया? हम कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। Why? Are you okay? शोलन कहीं नहीं दिख रही, वो कहाँ है? कैसा लग रहा है साला आंटी? अरे जाते जाते मेरी बात तो सुन लीजिए। आज जो आपकी बेटी की हालत है, उसके खिलाफ जो केस है, उसकी जो बदनामी हुई है, उस पे जो इल्जाम लगे, उस केस का फैसला हो ही जाता। लेकिन अफसोस, कोर्ट का टाइम खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है ना कि केस का फैसला क्या होता? चलिए मैं ही बता देती हूँ, कम से कम 10 साल की सजा होती। चुप, एकदम चुप। अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना।